दोस्तों स्वागत है तुहाडा सारिया का पीरां फकीरां दी नगरी चैनल विच। दोस्तों काफ़ी समय तो दोस्तों की कमेंट हो रहे थे कि वशीकरण लई कोई बहुत ही प्रचंड प्रबल मंत्र कलमा अपलोड किया जाए। सो दोस्तों अज असी आप सब लई बहुत ही प्रबल वशीकरण मंत्र लेके हाजिर हुए हाँ। दोस्तों ज़्यादातर देखने विच आया है कि लोग अपने स्वार्थ नूं पूरा करन लई वशीकरण करते हैं, जिमें कि प्रेमिका अपने प्रेमी लई, प्रेमी अपनी प्रेमिका लई, नौकर अपने मालिक लई, मालिक अपने नौकर लई, पति पत्नी लई, पत्नी पति लई। इस तरह कई लोग इस वशीकरण शक्ति का वशीकरण मंत्र का दुरउपयोग भी करते हैं। दोस्तों सानू इन्हां मंत्रां का हमेशा ही सही ढंग नाल सही उद्देश नाल प्रयोग करना चाहिदा है। कभी भी किसी भी मंत्र का दुरुपयोग गलत प्रयोग नहीं करना चाहिदा। सो दोस्तों हुण मैं आप सबनों सब तो पहला मंत्र दसन जा रहा हाँ। आप सब ने चंगी तरह ध्यान नाल सुन के इस मंत्र नूं नोट कर लेना है। उस तो बाद तुहानू मंत्र सिद्ध करन लई कीड़ी विधि करनी है वह भी दसांगे, अते इस मंत्र ने काम किवें करना है वह भी दसांगे। सो हुण तुसीं सब तो पहला मंत्र सुन लवो। ओम नमो आदेश गुरु को राजा मोहू प्रजा मोहू मोहू ब्राह्मण बनिया हनुमंत रूप में जगत मोहू तो रामचंद्र मणि मणिया गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरे मंत्र ईश्वरे वाचा। सो दोस्तों यह है वशीकरण करन लई मंत्र। मैं इस मंत्र एक बार फिर बोल दिंदा हाँ ता जो आप सबनों किसी भी लफ्ज़ का कोई भी डाउट ना रह सके। आप सब ने चंगी तरह ध्यान सुन के इस मंत्र नूं नोट कर लेना है। ओम नमो आदेश गुरु को राजा मोहू प्रजा मोहू मोहू ब्राह्मण बनिया हनुमंत रूप में जगत मोहू तो रामचंद्र मणि मणिया गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरे मंत्र ईश्वरे वाचा। दोस्तों इस मंत्र नूं सिद्ध करन लई तुहानूं 21 दिन का समा लगेगा। 21 दिन के समय के विच तुसीं किसी एकांत कमरे में बैठ के आसन लगा के 108 मणकियां दी माला ते इस मंत्र का जाप करना है। हर रोज़ 21 माला का जाप करना है। दोस्तों तुसीं जाप रात के समय 8 बजे तो बाद करना है। दोस्तों जेकर तुसीं एक बार मन में धार लिया है कि असी हर रोज़ 21 माला का जाप करना ही है तो हर रोज़ 21 माला का ही जाप करना है। ना एक माला वध होनी चाहिए है ना एक माला घट होनी चाहिए है। जे 21 का करना है तो 21 माला का ही जाप करना है। इस तरह दोस्तों थोड़ा यह मंत्र 21 दिनों में सिद्ध हो जाएगा। धूफ अगरबत्ती जगा के कोल पानी रख के जल का लोटा रख के तुसीं जाप करना है। उस तो बाद दोस्तों तुसीं जो मंत्र सिद्ध हो जाए उस तो बाद इस मंत्र नूं चलाउणा किवें है। तुसीं किसी भी चौराहे ते जाके उत्तों एक चुटकी मिट्टी दी लैके आउणी है अते उस चुटकी पर मिट्टी नूं तुसीं जिहड़ा तुसीं मंत्र सिद्ध कीता है उस मंत्र दे नाल अभिमंत्रित करना है। 21 वार उस मिट्टी ते मंत्र पढ़ना है अते 21 वार ही फूक मार देनी है। उस तो बाद तुसीं उस मिट्टी विच थोड़ा जिहा जल मिला के उसका तिलक अपने मत्थे ते लगा लेना है। तिलक लगाते समय तुसीं उस शख्स का ध्यान धरना है, उस शख्स का नाम लेना है जिसनों तुसीं वश विच करना चाहते हो, अते जां फिर तिलक लगा के उस व्यक्ति के सामने जाना है जिसनों तुसीं अपने वश विच करना चाहते हो, अते उस व्यक्ति के सामने जाके अपने मन विच ही तुसीं इस मंत्र का 7 दफा जाप करना है। इस तरह सामने वाला व्यक्ति तुहाडे वश विच हो जाएगा अते तुहाडी हर एक गल बिना किसी रोक टोक के मनेगा। सो दोस्तों एक बार फिर बेनती है कि कोई भी इस मंत्र का इस वशीकरण मंत्र का गलत उपयोग ना करे। सो दोस्तों जेकर तुम साढ़े इस चैनल से नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब जरूर करना, बैल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ता जो आप सबको साड़ी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सब तो पहला मिल सके। इस वीडियो में लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में
जय पीरां दी जरूर लिखने से तरह दी कलमें मंत्र पाठ दुआ फरियाद अमल वजीफे आप सब लैके हाजिर होंगे रहेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो दे विच। जय पीरां दी।